एसजी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। और आप सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपये का इंतजार आप सभी कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी महादुख खबरी है, दोनों है। एक तो तारीख की पैसा डलने की आपके लिए खुशखबरी, मैंने 4 दिन पहले भी आपको बताया था कि भाई वेटिंग फॉर स्टेट अप्रूवल आना शुरू हो चुका है, वो मैं 4 दिन पहले बता चुका हूँ। अभी एक और नया खुशखबरी आया, ठीक है। वेटिंग फॉर स्टेट अप्रूवल का आने का मतलब यह है कि अब आपकी किस्त की सुगंध आपको आ चुकी है, यानी पहले बैंकों को जो है स्टेट से अप्रूव होता है, फिर उसके बाद जो पैसा है वो पैसा बैंकों में डाला जाता है, ठीक है। फिर एक निश्चित तिथि व निश्चित तारीख मोदी तय करते हैं और उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम के माध्यम से, एक बड़ा रैली के माध्यम से मोदी जी बटन दबाने के बाद जो है पैसा आपके अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। तो साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, छोटा बड़ा आदेशों, नए नियमों, योजनाओं में बदलाव, कोई घोषणाओं, कोई ऐलान हो, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना हो, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। एक बार फिर हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, आदि हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर जुड़े। तो भाई 13,00,780 करो। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं। कृषि मंत्री जो है, कृषि मंत्रालय दिवाली से पहले जो है सरकार किसानों को तोहफा देने जा रही है, ठीक है। ये जो है देश के सभी कृषि जो अधिकारी हैं, कल सभी जितने भी कृषि किसान जो अधिकारी अफसर हैं पूरे उसके, उन सभी के साथ मीटिंग किया और उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वां किस्त पैसा ट्रांसफ़र करने को लेकर जितने भी जरूरी निर्देश थे वो सभी देने का काम किया, ठीक है। भाई इसमें जो है देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त इस बार दीपावली से पहले आने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं और इसमें जो है भाई 13,00,000 किसान यानी करीब 780 करोड़ रुपया उन सभी किसानों का अटकेगा जिन सभी किसानों ने, देखो 13,00,000 किसानों को अब नहीं मिलेंगे सम्मान निधि के 2,000। केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लेने का काम किया है। तो ये जिनका KYC नहीं हो रखा, जिनका भाई जो है लैंड सीडिंग या बैंक सीडिंग नहीं हो रखा, भाई ऐसे 13,00,000 किसान हैं, 13,00,000 किसानों को 780 करोड़ रुपया है भाई, उन सभी को ये पैसा नहीं मिलेगा। ये एक राज्य का मामला है, अगर पूरे देश भर की बात करूँ तो लगभग 30,00,000 किसान भाई ऐसे हैं, ये तो ओनली बिहार का डाटा है, 30,00,000 किसान भाई ऐसे हैं जहाँ आपका जो है ये पैसा नहीं डलेगा। तो अपना भाई जल्द से जल्द कर लेना, मैंने करके भी आपको दिखा रखा है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की बात कर लेता हूँ। भाई दीपावली से पहले, बहुत पहले दीपावली से आपका पैसा डल जाएगा आपके अकाउंट में साथियों, या तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका पैसा डल जाएगा, ठीक है। या तो सितंबर के अपने आपके अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपके खाते में सीधा 2,000 रुपये केंद्र सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार डालने का काम करेगी, ठीक है। भाई जिनका लैंड सीडिंग या बैंक सीडिंग या आधार KYC नहीं हो रखा, घर बैठे तीनों का एक मिनट में कर सकते हैं। चैनल पर ऑलरेडी तीनों का अलग अलग तरीके से 10-10 वीडियो डाल रखी हैं, ठीक है। भाई अगर आपका 17वां आ गया तो 18वां किस्त नहीं आएगा, ठीक है। और आपका 17वां किस्त नहीं आया इन्हीं कारण से तो 18वां भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका 17वां नहीं आया, आप कर लेते हो तो 18वां किस्त का पैसा आपका 17वें का भी 18वें का भी इकट्ठा जो है 4,000 रुपये आपको डल जाएगा, ठीक है। अगर जिनका 17वां आ गया वो अब भी नहीं कर रहा है, धीरे धीरे काट रही है सरकार। अगर आप जो 18वीं किस्त 17वीं का आ गया है, आपने ये काम नहीं किया, 18वीं का पैसा आपके खाते में नहीं डलेगा, नहीं डलेगा, नहीं डलेगा, ठीक है। तो भाई आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा लगभग, आप मान के चलिए लगभग 25 से 28 दिन के बीच बीच आपके खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, 25 से 28 दिन के। और मेरे साथ जुड़े रहना, बने रहना भाई, पल पल की रिपोर्टिंग देने का काम करूँगा। कल ये बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, बहुत बड़ा मीटिंग जो है कल देर शाम तक कृषि अधिकारियों का, कृषि मंत्रालय ने किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया, ठीक है, जिसमें ये कहा गया बहुत जल्द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा हम डालेंगे। दूसरी बड़ी बात ये कहा गया है कि भाई जो है पूरा राज्यों का डाटा दिया है, अकेले बिहार से 13,00,000 का कटेगा और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 70,000 का कटेगा,
इसी तरह टोटल 30 लाख किसान भाइयों का जो है 18वां किस्त रुकेगा, जिनका 17वां आ गया था। क्यों रुकेगा? वेरिफिकेशन नाम सत्यापन, ठीक है। तो भाई अपना ये आप देख सकते हो, मैं इसका जो है ये फिर हमने किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर, तो ये जो है हमने आपको बता ही दिया है, दिवाली से पहले आपका किस्त आ जाएगा, दिवाली से पहले भी नहीं, 1 महीने पहले दिवाली से किस्त आएगा आपका, ठीक है। तो अपना भाई हाथ जोड़ के अपील है, अपना भाई KYC वगैरह करवा लो, ये साल के 6,000 रुपये अच्छा काम आ जाते हैं, वरना भाई एक बार जब नाम सूची से कट जाता है ना, जब बंद हो जाता है ना, फिर पापड़ ही बेलने पड़ते हैं, फिर जूती वे जूता तोड़ने पड़ते हैं अधिकारियों के पीछे, RCS ऑनलाइन, तब जाकर कहीं दोबारा नाम जुड़ता है और 2-4 किस्त यूं ही निकल जाती है, ठीक है। तो भाई अपना जो है देख लो, कर लो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ का अपील है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।